उत्तराखंड बीजेपी विधायक हरवंश कपूर का हुआ निधन। देहरादून कैंट से विधायक थे हरवंश कपूर। भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 17 नए मरीज। किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। 27 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पर्यटक स्थलों के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। रेडन की शुरुआत करते हैं, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, उत्तराखंड बीजेपी विधायक हरवंश कपूर का निधन हो गया है। देहरादून कैंट से विधायक थे हरवंश कपूर और दुखद जानकारी ये सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर देखी जा रही है इस वक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शोक जताया है। निधन कैसे हुआ, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हरवंश कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला था और उनका अब निधन हो गया है। उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी में खासकर शोक की लहर देखी जा रही है। बीजेपी विधायक थे दिल्ली देहरादून के कैंट क्षेत्र से। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, बीजेपी विधायक हरवंश कपूर का निधन हो गया है, कितना नुकसान बीजेपी के लिए? देखिए, आज सुबह सुबह ही यह मनोबल तोड़ने वाली बेहद दुखद खबर हम सबको मिली है। हरवंश कपूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिला के 8 बार विधायक रहे। 2007 से 12 तक वे उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 21 सीट से 8 बार वे विधायक चुने गए थे। इससे आप समझ सकती हैं कि उनका कितना बड़ा कद था और कितनी बड़ी उनकी लोकप्रियता थी। आम जनता के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते थे और कैंट विधानसभा जहां से वो लगातार विधायक रहे वहां विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और सबसे बड़ी दुखद खबर है कि उत्तराखंड की चौथी विधानसभा यानी 17 से 22 के लिए जिस विधानसभा का गठन हुआ था उसमें ये 6वें विधायक हैं जो विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और बीच में ही उनका निधन हो गया। उत्तराखंड चौथी विधानसभा के ये 6वें विधायक और भाजपा के 5वें विधायक है, यानी सिर्फ इसी विधानसभा चौथी विधानसभा में भाजपा के 5 विधायकों का ऐसे निधन हो गया। पहले प्रकाश पंत जो मंत्री भी रहे पिथौरागढ़ से, उनका निधन हुआ। चमोली से मदनलाल शाह का निधन हुआ। वीरेंद्र, इस वक्त दुख की घड़ी है सभी के लिए, लेकिन इसे भी ये ट्वीट सामने आया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो आपको बता देते हैं। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आज प्रातः विधानसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री हरवंश कपूर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मधुरभाषी के कपूर ने श्री कपूर ने हमेशा सादगी के साथ जीवन जिया। राजनीतिक मूल्य को आत्मसात करते हुए वह अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मुखर रहे हैं, तत्पर रहे हैं। लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता को साबित करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके लिए, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और उनके परिजनों समर्थकों और शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। धीरेन्द्र, आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह उनके आवास पर पहुंच के उनको आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बड़े नेताओं ने इनके निधन के प्रति दुख जताया है और इसे भाजपा के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। इसके साथ ही साथ जो विपक्ष के नेताओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पीसीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इसे एक अपूर्णीय क्षति और उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक ऐसा वैक्सीन बताया है जिसे भरा जाना बेहद मुश्किल होगा। सोनिका, आज 2 बजे विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर का जो
सर्व पार्थिव शरीर है उसे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और 3 बजे वो लक्खीबाग शमशान घाट के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा और वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उनका और धीरेन्द्र हमेशा तत्पर रहा करते थे वो जन समस्याओं को लेकर के, लोगों की एक एक समस्या को लेकर। सुनता बिल्कुल हरबंश कपूर बेहद जमीनी नेता थे, बेहद जमीन से उठ करके आए थे और एक संघर्षशील नेता थे और आरएसएस से भाजपा के कैडर लोगों में शामिल थे। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब आजकल जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं लाव लक्कर और गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, तब हरबंश कपूर चुनाव में भी एक्टिवा से घर घर जाके लोगों से संपर्क करते थे और शायद यही कारण था, यही उनकी लोकप्रियता का कारण था कि उनको लगातार जब तक वो जीवित रहे कोई उनको डिफीट नहीं कर सका, कोई उनको हरा नहीं सका। एक तरह से ये अजय योद्धा, एक अजय राजनीतिक योद्धा थे और इस सीट से उनको सदैव याद रखा जाएगा कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो शायद भविष्य में ऐसा व्यक्ति होना मुश्किल होगा कि एक ही सीट से ऐसे कंपटीशन के दौर में लगातार 8 बार प्रतिनिधित्व। उनके आवास के बाहर कैसे हलचल इस वक्त बनी है क्योंकि तमाम समर्थक नेता इस वक्त पहुंच रहे हैं जैसे खबर सामने आई? बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, एक खबर जैसे ही आज की तरह फैली पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई, श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पे पहुंच के उनको श्रद्धांजलि दिए और लगातार उनके आवास पे लोगों के तांता लगा हुआ, लोगों की भीड़ लगी है, लोग अपने लोकप्रिय नेता के निधन की खबर से आहत है, दुखी है और बहुत लोग शॉक्ड है कि क्योंकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, न तो अस्पताल में भर्ती गए, कुछ भी ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वे अस्वस्थ हुए और लोगों को यह मना स्थिति बने। हालांकि उनकी उम्र 75 साल थी लेकिन वो बीमार नहीं पड़े, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि लोगों को लगे कि अब हरबंश कपूर साहब हमारे बीच से चले जाएंगे। इसलिए ये खबर अचानक उनका निधन हुआ, सोते सोते संभावना जताई जा रही कि उनको हार्ट फेल होने की वजह से उनका निधन हुआ है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी खबर आती है, अचानक किसी के चले जाने की खबर आती है तो उनका तो आप समझ सकती है लोग शोकाकुल हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं और हर आदमी, हर इंसान, हर जो कार्यकर्ता है, हर जो उनका चिंतक है जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, अचानक कैसे हमारे बीच से इतना लोकप्रिय नेता चला गया। बिल्कुल धीरेन्द्र, यानी अभी कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है कि कैसे उनका निधन हुआ है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं प्रदेश में यानी उत्तराखंड में। अब मकान मालिक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे, जानकारी सामने आ रही है। इसके लिए कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और जो झगड़े हुआ करते थे किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच अब वो भी खत्म कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश में मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किराएदार को मकान खाली भी करना होगा। मकान मालिक और किराएदारों के बीच के झगड़े को खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 पास हो गया है। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, जल्द से जल्द इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। दरअसल मकान मालिक और किराएदारों के बीच जो झगड़े बेहद आम होते हैं, कहीं मकान मालिक के बीच किराए बढ़ोतरी को लेकर के विवाद देखा जाता है तो कहीं किराएदार का अवधि पूरे करने के बाद भी मकान खाली ना करना देखा जाता है। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 को पास किया गया है। यानी अब उत्तराखंड में अपनी मर्जी से मकान मालिक किराया नहीं वसूल सकेंगे। धीरेन्द्र मेरे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर धीरेन्द्र का रुख करेंगे। धीरेन्द्र, जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में अब मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं वसूल सकेंगे। बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड विधानसभा के अंतिम सत्र यानी शीत सत्र में यह विधेयक पास हो चुका है और इसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो विवाद है वो न्यायालय तक पहुंचता था और न्यायालयों में ऐसे हजारों मामले लंबित हैं और उनसे जो एक बोझ न्यायालयों पे होता था वो बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर के अलग अलग तबकों से, अलग अलग समाज के हिस्सों से सरकार से ये डिमांड की जा रही थी कि इससे सरकार कोई उचित कदम उठाए। सरकार ने इसके लिए पहले कैबिनेट में पास किया इस प्रस्ताव को और उसके बाद बाकायदा विधानसभा के सदन पटल पे रखा और बहुमत की सरकार ने इसे विधानसभा के सदन से इसे पास करवा दिया है। अब जल्द ही इसकी सूचना सरकार जारी कर देगी और उसके बाद इस तरह के जो विवाद हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए सोनिका, ऐसे विवाद खत्म नहीं हो सकते, जब तक समाज है तब तक ऐसे विवाद भी रहेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से जब कानून इसको रेगुलेट करता है, स्पष्ट बताता है कि किराएदार क्या कर सकता है और क्या उसकी ड्यूटी है, मकान मालिक क्या कर सकता है और क्या उसकी ड्यूटी है, तो निश्चित रूप से जो विवादों की संख्या बढ़ रही थी उसमें
काफी उल्लेखनीय कमी दर्ज की जाएगी और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका शासनादेश जारी होगा। और अब एक और विवाद इसमें देखने में आ रहा था कि जो मकान मालिक हैं वो प्रायः मनमाना किराया बढ़ा देते थे, तो उसको भी सरकार ने इस विधेयक में रेगुलेट करने का काम किया है। और जो किराएदार, बहुत बार ऐसा होता था कि मकान मालिक ने किराए पे अपना मकान दिया और बाद में जो किराएदार हैं उसे खाली नहीं करते थे, या कोई विवाद होता था तो कोर्ट चले जाते थे, जिसकी वजह से मकान मालिक और मकान जो किराएदार है उनके बीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता था और वो न्यायालय में जाके न्यायालय और पुलिस का भी समय बर्बाद करता था। तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया पर भी, उस टेंडेंसी पर भी इस विधेयक के पास होने के बाद रोक लगेगी, इसकी पूरी संभावना है। ये अधिनियम क्या सिर्फ आवासीय मकानों पर ही लागू होगा या फिर व्यावसायिक भवनों पर भी लागू किया जाएगा? ये दोनों ही तरह के प्रकृति के भवनों पर लागू होगा, व्यावसायिक हो या आवासीय हो, दोनों पर ही यह किराएदारी अधिनियम लागू होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से करोड़ों रुपए से परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटोटिया धुमाकोट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 90 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उनके निधन से हमारी फौज, देश और उत्तराखंड को भारी क्षति हुई है। दरअसल इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जनरल विपिन रावत का भी जिक्र किया गया। सीएम की तरफ से विकसित उत्तराखंड जनरल रावत का सपना था ये कहा गया और यह सपना पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य और केंद्र सरकार, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। दरअसल पटोटिया धुमाकोट में 90 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो उत्तराखंड विकास के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और लक्ष्य भी रखा गया है 2025 तक राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का। धुमाकोट की इस पावन भूमि पर यहां विराजमान हम सभी के आराध्य मां दीवा देवी को मैं कोटि से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि को मां बुंगी देवी, मां धूमा देवी, मां भवना देवी सहित ताड़केश्वर महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मैं इन समस्त लोक देवताओं को करवद रूप से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये इष्ट सहदेव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हमारे सारे काम सफल और संपन्न होते चले जाएं। आज इस मंच से मैं अनेक वीरों का समेत हमारे नायक अमर शहीद जनरल बिपिन रावत जी की जन्मस्थली, जो कि यही जनपद है, पौड़ी गढ़वाल जिले की इस मिट्टी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे लिए आज ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज जनरल रावत, जो हमारे सबके चहते थे, हमारे आदर्श थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, आज विश्वास करना कठिन होता है कि हमारे बीच में नहीं है। मैं जिस दिन उनका समाचार सुना उसी दिन से मैं दिल्ली चला गया था और लगातार दो दिन वहीं रहा। कल ही हमने उनकी अस्थियों का यहां हरिद्वार में उनके दोनों बेटियों के साथ अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे उत्तराखंड के लिए, विशेष कर से सेना के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए और देश से ज्यादा हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां से उनका लगाव था, उनकी भी ये मातृभूमि थी। आज वो केवल एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि वो एक अभिभावक के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते थे, और एक अभिभावक की भांति, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, एक सैनिक पुत्र होने के नाते बहुत सारी योजनाएं मैंने उनके साथ बनाई हुई थी। राष्ट्र सेवा और राज्य हित उनके लिए सर्वोपरि था, उनका एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बने।
आज मेरे साथ आप सभी लोग ये भी प्रण लीजिए कि हम बिपिन रावत जी के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। विकसित और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण ही जनरल बिपिन रावत जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं और मेरी सरकार आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस राह पर चलकर उत्तराखंड के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया आप सबके आशीर्वाद से। आगे रुख करते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा होना है और इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रैली को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं कांग्रेसी नेता सभी। 16 दिसंबर को देवभूमि आएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 16 दिसंबर को देवभूमि पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी देहरादून में शौर्य सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे। राहुल गांधी की रैली में सरकार बनाने की नींव रखी जाएगी, ये कहा गया है। वहीं कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने की अपील भी की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस सरकार बनाने की नींव रखेगी। इस दौरान रैली को सफल बनाने की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं को ले जाने की रणनीति भी बनाई गई है। तो 16 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2022 को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे अपनी तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता पक्ष पार्टी तो लगातार उनके केंद्रीय नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और अब राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विशाखा, 16 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है, कितना महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस के लिए? हाँ जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लगातार उत्तराखंड में दौरे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर यह प्रेशर कहिए बना हुआ था कि जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के एक भी केंद्रीय नेता का उत्तराखंड में चुनावी रणनीति के तहत या चुनाव के लिहाज से कोई दौरा नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड में दौरा होना है जो राजधानी देहरादून में होगा और कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों और फिलहाल के जो सैनिक परिवार हैं उनको साधने की उस वोट बैंक को साधने की पूरी पूरी कोशिश फिलहाल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के इस दौरे के जरिए की जाएगी और जिसको देखते हुए इस रैली में जो शौर्य सम्मान समारोह है वो रखा गया है जिसमें 1971 के युद्ध में जो शामिल हुए सैनिक थे उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और इसी चुनावी रणनीति के तहत फिलहाल सैनिक वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो राहुल गांधी की तरफ से होगी। और देखिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तहत या चुनावी लिहाज से यह रैली कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनमें जोश भरने का कार्य जरूर करेगी। चलिए विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे रुख करते हैं, बड़ी जानकारी कॉल मिल रही है कि उत्तराखंड पहुंचेंगे अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं और तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं और एक बार फिर काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर में जनता के लिए अपनी चौथी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। यह जानकारी आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने दी है। कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान दीपक बाली ने कहा कि 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंच रहे हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह उत्तराखंड का 5वां दौरा है। अब तक के दौरों में उन्होंने 3 तरह की गारंटी प्रदेश की जनता को दी है। पहली 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की, दूसरी घर घर रोजगार और रोजगार ना मिलने तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा की दी है। अब काशीपुर पहुंच रहे हैं, चौथी गारंटी की घोषणा की जाएगी ये कहा जा रहा है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार चौथी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। देखिए सोनिका, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जितनी बार उत्तराखंड आए उन्होंने कोई ना कोई ऐसी घोषणा की है
जिससे जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें कल्चर देखने के लिए मिली है। चाहे वो आप देखिए, जब वो पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जो मुफ्त बिजली है उसका ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो मुफ्त बिजली देंगे। जब वो दूसरी बार आए तो उन्होंने रोजगार की बात करी। जब वो तीसरी बार आए तो उन्होंने जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाएंगे उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाए, ऐसी गारंटी की बात करी। और आप देखिए कि साथ ही साथ अगर बात करें तो उन्होंने अपना सीएम का जो चेहरा उत्तराखंड के अंदर होगा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर जब बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल जब चुनाव लड़ते हैं तो कभी भी आज तक उन्होंने अपना जो सीएम कैंडिडेट का चेहरा है चुनाव से पहले नहीं डिक्लेयर किया। चुनाव लड़ने के बाद संचित आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।